नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे सर्वशास्त्रा और फिर
उन्होंने वृक्षों को देखा तो वृक्षों से पूछने लगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पागल हो गई है, कोई वृक्षों से पूछता है कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, वृक्ष तो कोई जवाब नहीं देते। तो गोपियां इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण परमात्मा के रूप में हरेक जीव के हृदय में स्थित हैं, परमात्मा के रूप में कण कण में हैं, और इसीलिए जब कण कण में हैं तो क्यों नहीं वृक्ष के रूप में भी वहां पर भी हैं, और वृक्ष में भी हैं और परमात्मा है सब जानते हैं, इसीलिए वो जानते होंगे कि श्री कृष्ण कहाँ है। तो गोपियां ये ज्ञान में है पूरे, वो परमात्मा का विषय जानती है और जानती है कि परमात्मा कण कण में है, इसीलिए वो जानते होंगे कि श्री कृष्ण कहाँ है, क्योंकि वो तो सब चीजें जानते हैं, साक्षी हैं हमारे सारे कार्यों के। इसलिए गोपियां वृक्षों को पूछने लगी कि कहीं आपने देखा है, तो वहां पर अलग अलग वृक्ष थे, अशोक वृक्ष थे, चंपा के वृक्ष थे, अन्य कई फूलों के वृक्ष थे वहां पर, और गोपियां उनको पूछने लगी, तुलसी भी तुलसी के वृक्ष थे। तो गोपियों ने अलग अलग वृक्षों को पूछा, फिर तुलसी को देखा, तो तुलसी को जाकर पूछा, आपको तो निश्चित पता होगा कृष्ण कहाँ है, आप तो सदैव उनके चरणों में रहते हैं, बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे वृक्षों को पूछ रही हैं गोपियां कि किस तरह हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। और फिर कहते कहते वृक्षों को देखते हुए वो कहती कि देखो वृक्ष का जीवन कितना भाग्यवान है, अपना सब कुछ अन्यों को दे देता है वृक्ष। जब लोग पहले भी सुन चुके हैं, कृष्ण ने भी गुणगान किया, एतवान जन्म साफल्य देहि नाम यह देहिषु। तो कहते हैं कि गोपियां भी यही कह रही कि पेड़ों का जीवन देखो कितनी अच्छी तरह से अन्यों के लिए कार्य करते हैं। या दूसरे दृष्टि में गोपियां ये भी कह रही थी कि इनका जीवन सफल है क्योंकि ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, इनका जीवन इसलिए सफल है, कृष्ण यहाँ से गए होंगे, कृष्ण ने स्पर्श किया होगा इन पेड़ों को, कृष्ण ने फूलों को देखा होगा, फलों को स्पर्श किया होगा, या फिर पत्ते चलते चलते स्पर्श हो गए होंगे कृष्ण से। तो इसलिए बड़े भाग्यवान हैं ये कि इन्होंने कृष्ण की सेवा कर ली, कृष्ण के दर्शन किए। तो गोपियां ऐसे वृक्षों के विषय में कहती हैं कि वृक्ष ये बड़े भाग्यवान हैं। दूसरे शब्दों में गोपियां ये कहना चाह रही हैं कि हर भक्त को अगर कृष्ण का स्पर्श चाहिए, जैसे कृष्ण वृक्षों को स्पर्श कर रहे हैं, तो उन्हें भी पेड़ों की तरह निस्वार्थी होना चाहिए, उन्हें भी वृक्षों की तरह अन्यों की सेवा में अपने जीवन को देना चाहिए। भक्त का जीवन स्वार्थी नहीं हो सकता, भक्त का अर्थ ही यही है कि उसका जीवन अन्यों के लिए है, फिर वो चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। कोई ये नहीं सोच सकता कि हमारे पास, हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, हम तो सन्यासी नहीं हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, वैरागी नहीं हैं, हमारा जीवन कैसे कृष्ण के लिए हो सकता, अन्यों के लिए हो सकता। हर भक्त का जीवन अन्यों के लिए है। आप जिस स्थिति में हो, जहां हो, गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोलेगा, केवल कृष्ण का नाम लेकर आप अन्यों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अन्यों की सेवा केवल वो कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। हाँ, उनका तो उद्देश्य ही वही है, त्यागी वैरागी लोगों का तो जीवन का उद्देश्य और कुछ होना ही नहीं चाहिए, अन्यों की सेवा, हर जीव की सेवा भक्ति में बड़े हुए भक्तों का एक लक्षण है। भाव भक्त के जब लक्षणों को कहा जाता है तो उसमें एक लक्षण आता है कि वो सभी जीवों के सुहृद हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं सभी जीवों के। ये भाव भक्त के स्तर पर आने वाले व्यक्ति का वर्णन है। ऐसे बहुत से उनके वर्णन हैं, अव्यर्थ काल नाम गाने सदा रुचि इत्यादि, और उनका ये वर्णन है कि वो हर जीव के शुभचिंतक होते हैं।
इसीलिए हर अवस्था में रहते हुए अन्यों के लिए कार्य कीजिए। कैसे कार्य कर सकते हैं अन्यों के लिए? कोई कहे हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद का वितरण कीजिए, अपने आसपास के लोगों को बुलाकर दो बार कृष्ण की कथाओं को कह दीजिए, दो बातें उनकी कह दीजिए, जीवन सफल। अन्यों के लिए कार्य करना कोई कठिन नहीं है, केवल हमारा मन हमें करने नहीं देता। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे सेवा करें कृष्ण की? हम इतने फंसे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ है आपके पास, समय दीजिए। अपना सबसे मूल्यवान उपहार इस जगत में अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो समय है, क्योंकि अन्य उपहारों का मूल्य होता है, समय का कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए उपहार दीजिए। और समय में क्या दीजिए? कृष्ण को दीजिए। अगर इस जगत में समय बड़ा मूल्यवान उपहार है तो इस जगत के परे जाने के लिए कृष्ण से मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं है। तो इस जगत में लोग समय को देते हैं, हमें समय के साथ साथ कृष्ण को देना चाहिए। केवल समय देना ये तो इस जगत में बंधन का भी कारण हो सकता है, इसीलिए कृष्ण को देना चाहिए। तो ऐसे इन वृक्षों का गुणगान गोपियों ने किया, और फिर गोपियां पृथ्वी देवी का वर्णन करने लगी। उन्होंने देखा पृथ्वी को तो उन्होंने कहा कितनी भाग्यवान है पृथ्वी कि इन्होंने अपने अपने ऊपर श्री कृष्ण के चरणों को धारण किया, अपने मस्तक पर श्री कृष्ण के चरणों को धारण किया। तो जैसे हम बता रहे थे कि भक्त का लक्षण है कि उसे अन्यों की सेवा करनी चाहिए, ये दूसरा लक्षण है कि कृष्ण के चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। ये जो हम लोग तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाने का अर्थ है कि हमने श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया है। तो ये केवल एक सांकेतिक नहीं होना चाहिए कि बस हमने तिलक लगा लिया। जब हम तिलक लगाएं तो मन में ये भाव होना चाहिए, दिन भर ये भाव रहना चाहिए, श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे मस्तक पर है, इसीलिए कृपा है उनकी। तो ये तिलक लगाने का भाव है। तिलक हमारे लिए कवच की तरह है जो हमारी रक्षा करता है। तिलक हमारे लिए एक कृतज्ञता की भावना लाने में मदद करता है। हम जब भी अपने तिलक को देखें हमारे हृदय में कृतज्ञता आनी चाहिए कि श्री कृष्ण की कृपा है, अपने चरणों को उन्होंने हमारे मस्तक पर रखा हुआ है। तो गोपियां पृथ्वी को देखकर उनका गुणगान कर रही हैं और वो कहती हैं कि पृथ्वी ने क्या तपस्या की होगी, क्यों श्री कृष्ण चल रहे हैं और पूर्व काल में वामन देव के रूप में अपने चरणों को रखा था पूरी पृथ्वी पर, उन्होंने केवल वृंदावन में नहीं पूरी पृथ्वी पर उन्होंने रखा था, और तो और वराह देव के रूप में उन्होंने उठा लिया था पृथ्वी को, आलिंगन किया था पृथ्वी को। गोपियां उन लीलाओं को याद कर रही हैं। तो देखिए गोपियां हालांकि साधारण गोप कन्याएं लग रही हैं, इनको क्या पता होगा, लेकिन वो शास्त्र जानती हैं, सारा इतिहास जानती हैं, पूर्ण ज्ञान में हैं। इसीलिए जैसे कल हम वर्णन कर रहे थे पद्म पुराण कहता है कि गोपियां मुक्त जीव हैं, नहीं तो कौन इस ज्ञान को प्रकट कर सकता। तो गोपियां कह रही हैं कि पूर्व काल में उठाया था, क्या तपस्या की होगी इस पृथ्वी ने कि इतना भाग्य उसको मिला है कि भगवान स्वयं उसको अपने हाथों में उठा रहे हैं। तो ऐसे पृथ्वी का गुणगान करने लगे, पृथ्वी ने धारण किया है इन चरणों को। तो भक्त के लिए अनिवार्य लक्षणों को भी प्रकट करती जा रही हैं गोपियां। पहले उन्होंने परमात्मा का वर्णन किया, भक्त को जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण
हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। वृक्षों के द्वारा उन्होंने भक्तों को निस्वार्थी बनने की प्रेरणा दी। पृथ्वी के द्वारा उन्होंने कृतज्ञता के भाव में रहने की प्रेरणा दी। और फिर गोपियां देख रही हैं हिरणों को, हिरणियों को, जो बड़ी प्रसन्न लग रही है। तो जब गोपियों ने हिरणियों को देखा तो गोपियों ने कहा कि लगता है जाते जाते श्री कृष्ण आपके शरीर पर हाथ फेर कर गए हैं प्रेम से, तभी आप इतनी प्रसन्न हैं। और जो श्री कृष्ण के शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही होगी उसको ही ढूंढते हुए आप इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो हिरणी होती है वो अच्छी सुगंध के पीछे भागती है, कहा जाता है ऐसे कस्तूरी। तो गोपियों ने देखा कि आप भाग रही हैं, किस गंध के पीछे? वो गंध जो श्री कृष्ण के शरीर से निकली। गोपियां समझा रही हैं कि इस जगत में हमारी इंद्रियों को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, यही भक्ति है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते, भक्ति उसे कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं, अपनी नसिका को श्री कृष्ण को अर्पण किए गए फूल और तुलसी की सुगंध लेने में लगाएं, जैसे इन हिरणियों ने लगाया। तो हमारी जो नसिका होनी चाहिए, इसलिए हर रोज नियम से हमें भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी या चरणों में अर्पित फूलों को हमें सूंघना चाहिए। नहीं तो हम लोग बहुत कुछ सूंघते रहते हैं। व्यक्ति को फूल बड़े पसंद हैं, नहीं फूल मिलते हैं तो वो लोग कुछ इत्र लगा लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं। क्यों? सुगंध बड़ी प्रिय है, नाक को सुगंध अच्छी लगती है, नाक का ये विषय है। तो नसिका को ऐसी सुगंध देनी चाहिए जिससे फिर और कोई सुगंध उसको प्रभावित ना। जैसे हिरणियों ने एक बार श्री कृष्ण की सुगंध ले ली, हमने कोई और सुगंध प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ऊंचे स्वाद को लीजिए, फिर कभी निचले स्वाद में नहीं जाएंगे। तो नसिका को ऐसी सुगंध देनी चाहिए, आंखों को हमें ऐसे दर्शन देने चाहिए कि फिर इस जगत के किसी व्यक्ति के दर्शन की कामना न रह जाए। कानों को वो कथा सुनानी चाहिए कि फिर अपना गुणगान सुनने की भावना चली जाए। ऐसे हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो गोपियां ऐसे हिरणों को हिरणियों को देखते हुए आगे बढ़ती हैं। और फिर उस समय भी कृष्ण मिले नहीं तो गोपियों ने अलग अलग लीलाएं जो कृष्ण ने थी उनको स्मरण करना शुरू किया। और कैसे स्मरण कर रही हैं? पूतना बन। तो एक जो गोपी थी वो पूतना बन गई और दूसरी कृष्ण बन गई, और ऐसे कृष्ण मार रहे हैं पूतना को, स्मरण कर रहे हैं। देखिए कृष्ण की लीलाओं का स्मरण गोपियां बता रही हैं, हमें भक्ति का मार्ग दे रही हैं गोपियां। ये कृष्ण को ढूंढ नहीं रही है, ये हमें मदद कर रही है कृष्ण को ढूंढने में। कृष्ण गोपियों ने कृष्ण को मन में ढूंढा, हमें कृष्ण को मन में ढूंढना चाहिए। गोपियों ने कृष्ण को वृंदावन में ढूंढा, हमें कृष्ण को इस भौतिक जगत नाम के मन में ढूंढना चाहिए। ये जगत की तुलना भी मन से की गई है। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत, ये एक वन की तरह है। तो इसीलिए हमें भी इस वन में कृष्ण को ढूंढने की प्रेरणा गोपियां दे रही है। तो गोपियां अब कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्हें प्रकट कर रहे हैं। तो एक गोपी ने ऐसे पूतना का कर लिया, फिर एक गोपी छोटी सी बच्ची बनकर ऐसे हाथ पांव पर कर रही है,
जैसे श्री कृष्ण ने शंकरासुर का वध किया था, एक गोपी ने दूसरी को उठा ली और बड़े ऊपर ले गई है, तृणावर्त का वर्णन कर रही है। एक गोपी दूसरी गोपी के सर पर खड़ी हो गई अपना पांव रखकर, जैसे कृष्ण ने कालिया का वर्णन किया था। हम लोग भी देखते हैं इन लीलाओं को, हम लोग दिव्य नाटिकाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विशेष करके बच्चों को कहा जाता है, बहुत आवश्यक है अपने बच्चों को इसमें लगाना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में कृष्ण लीला बैठ जाए। अगर कोई बच्चा कभी किसी लीला में राम बन जाता है, रावण बन जाता है, सीता बन जाता है, तो वो याद रखता है जीवन भर। आप सबको भी याद होगा, कभी बचपन में कुछ बने थे तो याद रहता है कि हाँ एक बार मैं वो बना था, मैं रावण बना था, चलो रावण का याद नहीं रखे लेकिन राम बना था, सीता बनी थी या कृष्ण बने थे। कभी कभी बच्चों के लिए वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किया जाता है, कोई मीरा बनकर आते हैं, कोई कृष्ण बनकर आते हैं, कोई राधा बनकर आते हैं। ये प्रभाव करता है बच्चों के मन पर, उन्हें याद रहता है, स्मरण रहता है। और दूसरा कारण ये करने का, बच्चे शास्त्र में कृष्ण लीलाओं में विश्वास करने लगते हैं, नहीं तो उनके लिए केवल कार्टून हो जाते हैं, उनके लिए केवल कल्पना हो जाती है। लेकिन जब वो बनते हैं, खेल करते हैं, नाट्य लीला करते हैं, जैसे जगाई बधाई की नाट्य लीला बड़ी प्रसिद्ध है हमारे इस्कॉन में, तो जितनी बार जिन्होंने की उनको याद रहता है जीवन भर कि मैं जगाई बना था, मैं बधाई बना था, मैं नित्यानंद प्रभु बना था, मैं चैतन्य महाप्रभु बना था, बच्चों में विश्वास पड़ जाता है। तो गोपियां ऐसे लीलाएं कर रही हैं। फिर एक गोपी ने अपना पल्लू लिया और सर के ऊपर ऐसे पकड़ लिया और कहने लगी, सब लोग इसके नीचे आ जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण की तरह कहने लगे, मतलब गोवर्धन उठा लिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारी लीलाओं को वे लोग करने लगे बड़े आनंद से, कृष्ण का स्मरण उनका बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सी लीलाओं को उन्होंने किया। कृष्ण ने दावानल का पान किया था, वो भी लीला गोपियां कर रही हैं, क्योंकि ये सब सुन चुकी थी। तो एक गोपी ने कहा, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, अब मैं ये सारी अग्नि को पी जाऊंगा। कृष्ण की तरह तो ऐसे इन लीलाओं को करते करते फिर वे आगे चल रहे थे, तो अचानक उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखा, या चरण चिन्हों को समाप्त, चरण कमलों के चिन्हों को देखना शुरू किया कि कैसे वहां पर उपस्थित श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। और उनके चिन्हों को उन्होंने देखा वहां पर, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को उन्होंने देखा, और इसीलिए वो श्री कृष्ण का स्मरण बड़ी तीव्रता से करने लगी। जब उन्होंने चिन्हों को देखा और उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो वो बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। और श्री कृष्ण के चरणों में कई चिन्ह हैं, हम इसका वर्णन कर चुके हैं। तो गोपियों ने देखा उस चिन्ह को और चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे, अरे यहाँ जा रहे, अच्छा यहाँ गए हैं, कृष्ण मिल गए, नहीं यहाँ होंगे, चलो चलो जाएंगे। और अभी चिन्हों को देखते हुए जा रही हैं और अचानक उन्होंने देखा कि एक चिन्ह नहीं है, दो है चरण चिन्ह, दो व्यक्तियों के हैं। तो उन्होंने सोचा, अरे श्री कृष्ण तो हमने सोचा था अकेले गए हैं, लेकिन अब पता चला कि वो किसी विशेष गोपी को साथ में लेकर गए, अकेले नहीं गए। तो ऐसे वो चरण चिन्हों को देख रही है और उस समय वो वर्णन करने लगी कि कितनी भाग्यशाली है ये गोपी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने हम सबको त्याग दिया। और ऐसे वो उनके चरणों को, उनके चिन्हों को देखते हुए जा रही हैं। और उस समय सुखदेव गोस्वामी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, जहां श्रीमती राधा रानी का वर्णन है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 28 है इस अध्याय का। कृपया दोहराइए, हमारे पीछे है यहाँ पर, कृपया दोहराइए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, भगवान हरिश्वर
तन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्नयत्र अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वरः तन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्नयत्र सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरकस प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभि घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वह ये देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्री लक्ष्मणा चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन किया है उसे उद्भुत किया है। श्रीमती राधा रानी के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ के चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे कंगन है। उनके पांव के बीच से एक सीधी रेखा अंगूठे तथा दूसरी उंगली के बीच तक जाती है। बीच की उंगली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की छिगुटी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में चरण में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने चरण के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं चरण की छिगुटी के नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी उंगलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलों में 19 विशिष्ट चिन्ह हैं। तो ऐसे उन्होंने श्रीमती राधा रानी के उन चरणों को देखा, उन चरण चिन्हों को देखा और वो बोलने लगी कि बड़ी भाग्यवान है ये गोपी। और फिर वो कल्पना करने लगी कि क्या हुआ होगा, चलती रही और देखा कि फिर आगे चलकर एक ही चिन्ह है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जो गोपी है तो ये भी किसी तरह यहाँ से कृष्ण के साथ चल रही होंगी और फिर कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, अब वो वहां भी अकेली हो गई। तो गोपियां, दरअसल देखिए गोपियां क्या कर रही थी, गोपियां बहुत अच्छे से जानती थी कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं क्योंकि हमारे मन में अहंकार आ गया। इस चीज को वो जानती थी गोपियां कि हमारे मन में अहंकार आ गया, हमने सोचा कि बस कृष्ण मेरे ही साथ हैं इसीलिए छोड़कर चले गए। और यहां
कह रही है कि श्रीमती राधा रानी को भी छोड़कर चले गए हैं, अर्थात कृष्ण किसी के हृदय में अहंकार को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अहंकार कृष्ण से दूर ले जाता है, और कृष्ण चाहते हैं कि हम सब उनके साथ रहें, हम सब आनंद में रहें। इसीलिए इस अहंकार को हमें त्यागना चाहिए। जान लीजिए कि ये जो अहंकार है वो कभी कृष्ण के निकट आने नहीं देता। हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो कैसे प्रकट होता है, हम कैसे जाने कि हमारे अंदर अहंकार है? इसका पहला लक्षण है कि हमारे अंदर दोष ढूंढने की प्रवृत्ति होती है। हम जब अन्यों में दोष ढूंढते हैं तो हम उनकी जो अच्छाई है उसको फिल्टर कर देते हैं। जैसे एक छलनी होती है तो छलनी में से जो गंदगी है वो रह जाती है, बाकी जो पानी पानी है वो निकल आता है, तो वो चला जाता है। तो इसी तरह हमारे मन को हम छलनी बना लेते हैं कि लोगों को हम उस छलनी के द्वारा देखते हैं, जिससे जो अच्छा जल है वो तो निकल जाता है, लेकिन केवल जो गंदगी है वो छलनी में फंसी रह जाती है। तो हम लोग जब दोष ढूंढने की प्रवृत्ति को रखते हैं हृदय में, तो हम केवल अपने हृदय को वो छलनी बना लेते हैं, जिससे जो अच्छाई का जल है वो तो निकल गया, लेकिन जो गंदगी है वो रह गई, हम उस गंदगी पर ध्यान देते हैं। ये पहला लक्षण है एक अहंकारी व्यक्ति का। दूसरा लक्षण अहंकारी व्यक्ति का है, उसकी भाषा कभी मृदु नहीं होगी। उसकी वाचा, उसका बोलना हमेशा बहुत कठोर होता है। ये भी लक्षण है उस व्यक्ति का जिसको अहंकार है, वो तो कभी मृदु बोल नहीं सकता। क्यों? उसका अहंकार उसे बोलने नहीं देता। तो पहला लक्षण दोष ढूंढता है, दूसरा लक्षण उसकी जो भाषा है वो बहुत कठोर होती है, और तीसरा लक्षण दिखावा बहुत। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है। हम लोग अपने हृदय की सत्यता को देख नहीं पाते, या उसको छुपाने के लिए एक ऐसा आचरण करते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ये दिखावा भी अहंकार का लक्षण है, सुपरफिशियल लाइफ है, स्वाभाविक जीवन नहीं जीते हैं। हृदय में जो है वो नहीं जीते हैं, हृदय में जो है उसको नहीं कहते हैं। हम कभी भी किसी से बात करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं इसको कहने से मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए। इसलिए ऐसी बातें कहते हैं जिससे लोग कहें कितना बढ़िया, लेकिन बोलते हैं तो दिखावा करते हैं। और फिर चौथा लक्षण उस व्यक्ति का जो अहंकारी है वो ये है कि वो हमेशा अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, हमेशा अपनी रक्षा करना चाहता है। उसको कहा जाए कि ये आपका गलती, बिल्कुल नहीं, ये तो उसने किया था, ये तो इसके कारण हुआ, मेरी गलती हो ही नहीं सकती। हमेशा अपने आप को बचाना चाहता है, स्वीकार नहीं करता। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। पांचवा लक्षण अहंकारी व्यक्ति का है कि वो हमेशा बहुत आतुर रहता है, आतुर ही नहीं कहना चाहिए, बड़ा ही चिंता में रहता है कि हमेशा उसको जो वो हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहे, डेस्परेट फॉर अटेंशन। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है कि वो हमेशा ये सोचता है कि कैसे सब लोग मुझे देखें, मैं केंद्र बनूं। भगवान की पूजा भी कर रहा है पुजारी, तो उसका इच्छा यही होता है कि मैं इतने अच्छे से हाथ घुमाऊं कि लोग देखें क्या पुजारी है। हमेशा अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए या अपने को आकर्षण का केंद्र बनाने का उसका भाव रहता है। अगर हमारे अंदर ये सब भाव है, लक्षण है, जान लीजिए अहंकार के लक्षण है, कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होंगे।
तो पांचवा लक्षण क्या है, हमेशा ये सोचता है कि कैसे मुझे बस मैं केंद्र रहूं, आकर्षण का केंद्र। और हम सब चाहते हैं ऐसा, है ना, हम सबके मन में आता है कि मैं आकर्षण का केंद्र रहूं, मैं सबसे दुनिया में मेरा गुणगान हो। ये भी अहंकार का लक्षण है और इसके चलते छठा लक्षण, वो अन्यों को ध्यान नहीं देता अन्यों की ओर। अर्थात जो अहंकारी व्यक्ति है, चाहे कोई अहंकारी भक्त है, तो वो उन लोगों को अपने पास रखता है जो लोग उसको गुणगान करते हैं, लेकिन बाकियों का वो ध्यान नहीं देता। बाकी बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, समय कम है इसलिए केवल इसको बता रहे हैं। तो इसीलिए वो ध्यान नहीं देता अन्यों की ओर, ये भी लक्षण है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो जान लीजिए अहंकार के लक्षण है। अगला लक्षण सातवां, वो ये मानता है कि सब कुछ मेरा है। वो जब कृष्ण की और गोपियों की लीलाओं को सुनता है तो वो ये मानता है कि भोग करने का अधिकार मेरा है। इसीलिए लोग कहते हैं कृष्ण ने इतने रानियां रखी, हम भी कुछ दो चार रख ले, अहंकार। तो ऐसे ही। और अंतिम लक्षण आज के लिए, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, अभी बताते जाएंगे तो चलता जाएगा। आज का अंतिम लक्षण कि वो व्यक्ति झूठे मिथ्या स्वतंत्र भाव में रहता है। अर्थात उसे लगता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र, मैं जो चाहे कर सकता। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। जहां ये स्वतंत्रता का भाव आया, अहंकार, यही भाव हमें कृष्ण से दूर करता है, स्वतंत्रता का भाव। और ये अहंकार से, तो ये कुछ लक्षण हमने दिए उस व्यक्ति के जो अहंकारी है। और गोपियां ही समझ रही हैं कि अहंकार से कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो फिर कृष्ण को किससे प्रसन्न किया जा सकता है, अहंकार को कैसे मारना चाहिए? अहंकार को नम्रता से मारना चाहिए। अहंकार का वध कीजिए अपने हृदय में रखे हुए उस अहंकार को, और उसको नम्रता से वध कीजिए। नम्रता क्या है, नम्रता के क्या लक्षण है? नम्रता का पहला लक्षण है ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। पहला लक्षण है नम्रता का कि हम ईमानदारी से स्वीकार करें कि हमारे पास जो कुछ है वो सब एक कृपा है भगवान की, कृष्ण की। हमारा संपत्ति, हमारा परिवार, हमारा मान सम्मान, हमारी कला, जो कुछ है ये भगवान की कृपा है। इस चीज को स्वीकार कीजिए, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, प्रामाणिकता से स्वीकार कीजिए कि जो कुछ भी है कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ने दिया है और जब चाहे ले सकते हैं। नम्रता आ जाती है। तो पहला कार्य हमें करना है नम्र होने के लिए, ईमानदार बनिए, प्रामाणिक बनिए, नम्रता आ जाए। जो कुछ है कृष्ण की कृपा। दूसरा लक्षण नम्रता का है, या नम्रता को लाने के लिए हम कर सकते हैं कृतज्ञता। जब हमें पता चल गया कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ उनकी कृपा है, तो उससे क्या प्रकट होना चाहिए? कृतज्ञता। और कृतज्ञता कैसे प्रकट होती है? ये जानकर कि जो कुछ मुझे मिला है ये मुझे, मेरा अधिकार नहीं था, मेरी योग्यता नहीं थी। जैसे कई बार लोग कुछ धन कमा लेते हैं, ये तो मेरे अधिकार, मैंने बड़ी मेहनत करके कमाया। तो जो कुछ हमें मिला है ये श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक हमें दिया, ये हमारी योग्यता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आई डिजर्व इट, ये तो मुझे मिलना ही था। नहीं, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे बिल्कुल ये नहीं मिलना चाहिए था।
कृष्ण की कृपा है और इसीलिए कृतज्ञता आ जाए। कृतज्ञता कब आती है? जब हम ये जानते हैं कि हमें जो मिला है उसके हम बिल्कुल अधिकारी नहीं है। अगर हमें ये बताओ कि तो हमारे अधिकार से मिला है, कर्तव्य नहीं होगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नौकरी करता है, उसको महीने के अंत में जब सैलरी मिलती तो कृतज्ञ नहीं होता। कोई एम्प्लॉय कृतज्ञ नहीं होता। क्या रे, कितनी बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए। वो तो लेते समय सोचता है कितना कम दिया है, कंजूस करके बढ़ाना चाहिए सैलरी, है ना? ये भाव होता है ना। तो जब ये भाव है तो कृतज्ञता कहाँ है? हम सोचते कम दे, थोड़ा और बढ़ा, 2-3 महीने बाद बढ़ाइए, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा। तो कोई भी कृतज्ञ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सोचता मेरा अधिकार है, मैंने मेहनत की है, महीने भर मैं भागा हूँ, कितनी कंपनियों में गया, इनको कितना बिजनेस ला के दिया, मेरा अधिकार है। कृतज्ञ नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम ये सोचें कि हमें जो जीवन में मिला है ये मेरा अधिकार है, कृतज्ञता नहीं आएगी। इसलिए भूल जाइए इसको, भूल जाइए कि ये जो कुछ मिला है आपकी योग्यता। ये जानिए कि जो कुछ मिल रहा है कृष्ण ने प्रेम से दिया है। कितने कृतज्ञ हो जाएंगे आप अगर आपको कोई चीज कोई प्रेम से देता है। आप अधिकारी नहीं है लेकिन वो प्रेम से दे देता है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, मेहनत नहीं कर पा रहा, और कोई व्यक्ति आकर देखता है कि बड़ा गरीब है, दुख में है, कष्ट में है, बीमार है, उसको कुछ पैसे दे देता है, क्या वो व्यक्ति कृतज्ञ होगा कि नहीं? निश्चित होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा अधिकार नहीं है, मैंने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए, मैंने कोई कार्य नहीं किया, मैं बीमार हूं, कर भी नहीं पा रहा, लेकिन देखो इन्होंने लाकर मुझे दिया, कृतज्ञ हो जाएगा। तो दोनों उदाहरण है, एक तरफ वो सैलरी लेता है 1,000 रुपए की लेकिन वो कृतज्ञ नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर थोड़े से उसको पैसे मिल जाते हैं वो कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में वो जानता है मेरा अधिकार नहीं है। कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है तो इस भाव में हमें आना चाहिए, कृतज्ञता कि जो कुछ मुझे मिला है कृष्ण की प्रेम के द्वारा मिला है, कृष्ण ने प्रेम से दिया। और इसीलिए तीसरा लक्षण नम्रता का है, प्रसन्न रहना। जो व्यक्ति नम्र है वो ईमानदार होगा। ईमानदारी नम्रता का लक्षण है, कृतज्ञता लक्षण है, नम्रता का प्रसन्नता लक्षण है नम्रता का। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नम्र है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसको पता है सब कृष्ण का है, जब चाहे ले सकते हैं, वो प्रसन्न रहेगा। अगर वो कृतज्ञ भाव में है कि मेरी योग्यता ना होते हुए मुझे मिला है, वो प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है मेरा अधिकार है, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा, चाहे उसको कितना ही मिल जाए। तो ये लक्षण है, कुछ लक्षण नम्रता के। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए, कैसे प्रकट करनी चाहिए नम्रता, प्रारंभ कैसे करना चाहिए इस नम्रता को लाने के लिए। कम से कम वैष्णवों के गुरु के हम सेवक बनने का प्रयास करें। हम कहते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, कहने में हमें कोई शर्म नहीं आती, हमें कहने में कोई लज्जा नहीं आती, कोई चिंता नहीं होती, हम कह देते हैं। लेकिन भक्तों का दास बनने के लिए, गुरु का दास बनने के लिए हृदय टूट जाता है। जब आपको कहा जाता है कि किसी भक्त के दास बनो, हम नहीं बन पाते, अहंकार। इसलिए नम्रता का प्रारंभ होना चाहिए, ये कहकर नहीं कि हम कृष्ण के दास हैं, क्योंकि कृष्ण के दास कहने में भी हमारा अहंकार हो जाता है। अरे किसके दास हैं, सबसे बड़े व्यक्ति के, कोई मामूली व्यक्ति के नहीं है, वो भी अहंकार ले आता है। इसीलिए गुरुदास बने कि हम दास हैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, निश्चित उनके दासों के दासों के दास हैं। महाप्रभु ने यही मार्ग दिया है, गोपी भरते पद कमले और दास दास दासानुदास, ये मार्ग है हमारा। बॉस बॉस बॉसानुबॉस हमारा मार्ग। तो इसीलिए इससे हम प्रारंभ करें, किस तरह हम
गुरु के दास बने, जो सरल नहीं है, भक्तों के दास बने सरल नहीं है, प्रयास करें, प्रार्थना करें भगवान से। क्या प्रार्थना करें? भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि आपकी जो इच्छा है उसको मैं पूरा कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। भगवान से शक्ति इसलिए नहीं माननी चाहिए कि मैं इस जगत में कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बनकर दिखाऊं। भगवान शक्ति दीजिए, भगवान शक्ति दीजिए मैं बहुत प्रसिद्ध प्रचारक बन जाऊं, आपके चरणों में बहुत सारे लोगों को ले आऊं, कोई शक्ति नहीं। प्रभुपाद ने शक्ति मांगी किस लिए? ये जो आपका संदेश है ये लोगों को समझ में आ जाए, ये शक्ति दीजिए। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, आप दीजिए। तो भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि आपकी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं, ये शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, तब हम नम्र बनेंगे। तो ऐसे गोपियों ने देखा और सोचा कि शायद राधा रानी को भी छोड़कर चले गए हैं, और थोड़ी देर में उन्हें राधा रानी भी मिल गए, एक जगह बैठे हुए मिलाप कर रहे थे। दुख में थी कि कृष्ण चले गए छोड़कर, उनको विरह में थी। तो फिर गोपियों को बताया श्रीमती राधा रानी ने कि दरअसल कृष्ण तो बहुत बड़ी कृपा की थी मेरे ऊपर, कृष्ण ने बहुत मुझे आदर दिया, सबसे अलग लेकर आए, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए। राधा रानी ऐसा कहते हैं। तो यहां भी राधा रानी बहुत सुंदर उपदेश दे रही है। आप सबकी अनुमति हो तो कुछ देर और 5 मिनट समय काम हो रहा है, 1 घंटा कम होता है, क्लास का टाइम बढ़ाना चाहिए। तो राधा रानी बहुत सुंदर संदेश हमें दे रही है हमारी भक्ति के लिए। क्या संदेश दे रही हैं? उन्होंने क्या कहा कि मुझे बहुत अच्छा आदर दिया श्री कृष्ण ने, मुझे अवसर मिला उनके संग में रहने का, अकेले बाकी सब गोपियों को वो छोड़ाए गए, लेकिन मेरे कारण उन्हें छोड़कर चले। हमारे लिए संदेश है, इतना अच्छा अवसर मिला है भक्ति करने का, छोड़िए नहीं उसे। इस सुअवसर को, इस स्वर्ण अवसर को मत छोड़िए, कृष्ण की सेवा का अवसर। हो सकता है कि आगे हमें ना मिले, तो इसीलिए ये हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इस अवसर को पकड़ कर रख सकते हैं, कैसे भाव में आ सकते हैं कि हम इस अवसर को छोड़े नहीं। और हर भक्त को यह होना चाहिए कि ये जो भक्ति का अवसर मिल गया है, कृष्ण को पाने का अवसर मिल गया है, कृष्ण को ढूंढने का और उनको प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है, छोड़े नहीं इसको किसी भी कारण से। तो क्या सोचना चाहिए हमें, क्या मन में भाव आने चाहिए ताकि हम इस अवसर को कहीं खो ना बैठे? पहला भाव आना चाहिए कि मुझे कृष्ण की सेवा का अवसर मिला है, इतनी सेवा है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, सीमित समय है हमारे पास, ये जीवन पूर्ण नहीं है कृष्ण की सेवा के लिए, बहुत कम समय है, और फिर पता नहीं कब क्या हो जाए। निश्वासे नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति, समय बहुत कम है, तो इस समय का हमें उपयोग किस लिए करना चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए इस समय का उपयोग करें। तो अगर हम भक्ति को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो मन में पहली बात ये ले आइए, समय बहुत कम है। देखिए जिस चीज के लिए समय कम होता है हम उसको बड़ी गंभीरता से करते हैं, बड़ी तेजी जल्दी करते हैं, उसको पहले करते हैं। बच्चा एग्जाम देने जाता है, उसको पता 3 घंटे का समय है, आराम से नहीं बैठा रहता, वो ये नहीं सोच समय फिल्म के गाने नहीं सुनता बैठकर, इंटरनेट नहीं देखता, वो तुरंत फटाफट फटाफट उसको कंप्लीट करना है, वो उसमें ही लगा रहता है, क्यों? उसको पता है 3 ही घंटे मेरे पास, उसके बाद ले लिया जाएगा पेपर। यही जान लीजिए कि भगवान ने आपको 3 घंटे दिए हैं केवल एग्जाम पूरा करने के लिए, जीवन फिर ले लिया जाएगा आपसे, फिर आप रोते रहोगे, कह रहे अरे मुझे पता था मैं कर नहीं पाया, बताया गया था मुझे, इस फॉर्म वालों ने कहा था भक्ति कर लो, किया नहीं मैंने, कोई फायदा नहीं, रोने का पेपर चला गया, मार्क्स आने वाले नहीं। इसीलिए भगवान ने जो समय दिया है
बहुत कम समय है हमारे पास और बहुत सी सेवाएं करनी है, इसीलिए समय बर्बाद मत कीजिए। दूसरी चीज, इस जगत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोग ले लेते हैं जो हमें हमारे मूल उद्देश्य से दूर कर देती हैं। ऐसे अवसर को मत छोड़िए कृष्ण भक्ति के, किसी ऐसी जिम्मेदारी के लिए जो हमें अंत में रोने पर मजबूर कर दे कि हाय हाय मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली लेकिन जो कार्य करने आया था वो नहीं किया। मैंने जीवन में बहुत अच्छा घर बना लिया, फैक्ट्री बना ली, बच्चों का विवाह कर दिया, सब कर दिया, अब मैं मर रहा हूं, लेकिन मूर्ख आया था भक्ति करने, उसको नहीं किया। तो अपनी जिम्मेदारियों को आड़े मत आने दीजिए, भगवान की भक्ति की जिम्मेदारियां करनी चाहिए, निभानी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिम्मेदारियों को व्यक्ति छोड़ दे, लेकिन अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए जो कृष्ण भक्ति है। ये राधा रानी सिखला है, अवसर दिया है कृष्ण ने, किसी भी कारण से छोड़िए नहीं, समय कम है, पहले उसको कीजिए। जिम्मेदारियां आवश्यक हैं, लेकिन मूल जिम्मेदारी को भूलिए नहीं। जीवन के अंत में मरते समय आपके मुख से यह नहीं निकले कि बड़ी गलती हो गई, बहुत कुछ किया मैंने कृष्ण भक्ति नहीं की, क्या लाभ है। इसीलिए इसको समझना चाहिए, इसीलिए हमें अवसर नहीं खोना है कृष्ण का, भक्ति का। और आगे हमारे लिए इस जीवन में बहुत से आकर्षण हैं जो हमें भक्ति के पथ से विमुख कर देते हैं, ध्यान रखना चाहिए। जब हम जल में तैरते हैं तो जल में व्यक्ति को हमेशा अपना सर ऊंचा रखना चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। ये जो इंद्रिय तृप्ति है ये एक नदी की तरह है, एक जल जलाशय की तरह है, सागर की तरह है। अगर इसमें अंदर डूब गए तो जीवन सफल नहीं है, इसीलिए इनमें रहते हुए भी अपना सर ऊपर रखिए, जल के ऊपर रखिए सर, ताकि आप सांस ले सकें, ताकि आप जीवित रह सकें, ताकि आप इस जल से बाहर निकल सकें। इसी तरह इस जगत के जो आकर्षण हैं जो हमें दूर कर रहे हैं कृष्ण से, सर ऊपर रखिए अपना, इनके इनसे प्रभावित मत होइए, ताकि कम से कम सांस ले सके। ये बंद कर देते हैं हमारी सांसें, जीने नहीं देते, क्योंकि जीने का अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति करना। जो भक्ति नहीं कर रहा वो तो मरा हुआ, इसलिए आकर्षण जीने नहीं देते। क्यों? सतत उनका चिंतन। सांस बंद कर देते हैं, सांस लेने का उद्देश्य है कृष्ण के लिए जीना, ये बंद कर देते हैं हमारी सांसें। सर ऊपर रखिए अपना, आकर्षण है, अलग अलग चीजें हैं, कैसे हम उनसे ऊपर रह सके, कैसे हम भक्ति को महत्व देते हुए, जीवन को महत्व देते हुए, श्री कृष्ण को महत्व देते हुए अपने सारे कर्तव्य करें लेकिन प्रमुख कर्तव्य को ना हो। इसीलिए हमें तीन चीजों को याद रखना चाहिए। थोड़ा सा पांच मिनट क्या आप लोगों को नींद ज्यादा आ रही है? नहीं, पांच मिनट आज के लिए, कल से समय कर देंगे। तीन चीजों को याद रखिए अगर आप इस अवसर को खोना नहीं चाहते। कौन से अवसर को? जो भक्ति करने का मिला है, श्रीमती राधा रानी हमें सिखला रही है। कृष्ण के निकट थी, कृष्ण ने इतना बड़ा अवसर दिया था, राधा रानी ने खो दिया अपनी गलती से। तो अगर आप खोना नहीं चाहते हैं, तीन चीजें याद रखिए। पहली चीज, आपका मूल्य, आपका क्या मूल्य है इसको याद रखिए, या कहना चाहिए कि आपकी क्या शक्ति है, क्या मूल्य है। आत्मा के रूप में हम सब का मूल्य ये है कि हमारे अंदर शक्ति है
कृष्ण को बंदी बनाने की, यह आत्मा की शक्ति है। हालांकि आत्मा बहुत छोटा सा अंश है, अणु है, भगवान विभु है, लेकिन उस अणु आत्मा में भगवान ने यह शक्ति दी है कि वो उनको बंदी बना सके। इसको पहचानिए, अपने मूल्य को पहचानिए कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप भगवान को, श्री कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। और अगर श्री कृष्ण आपके हृदय में बंदी हो गए, आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। कृष्ण खड़े हैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए, किस चीज की आवश्यकता, न प्रेम की, न किसी सहायता की, न किसी संतुष्टि की। तो इसलिए पहली चीज, अपने मूल्य को जानिए। हमारा क्या मूल्य है? हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। दूसरी चीज, किस तरह हम चलते हैं, हमारा मूल्य क्या है, हमारी चाल कैसी है, ये दूसरी चीज हमें जाननी चाहिए। चाल कैसी है का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके चलने को बहुत अच्छा कब कहा जाता है? कब व्यक्ति की चाल को अच्छा कहा गया, बताइए। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि वो क्या बोले, भौतिक आकर्षणों से ध्यान नहीं हो और बहुत आनंद में होता है तब चलता है। ओके, संकट में ना आए, बहुत अच्छा। व्यक्ति की चाल को सबसे अच्छा तब कहा जाता है जब उसकी चाल उसे उसके उद्देश्य की ओर ले जाए। व्यक्ति बड़ा अच्छा चल रहा है, मस्त में चल रहा है, लेकिन जा रहा गलत जगह पर, उसको अच्छी चाल नहीं कहा जाएगा, उसको अच्छा चलना नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति चल रहा है सारी बाधाओं को दूर करते हुए, लेकिन उद्देश्य की ओर नहीं जा रहा, उसको अच्छी चाल नहीं कहा गया है, उसको अच्छा वॉक नहीं कहा गया है। क्यों? उद्देश्य की ओर बढ़ना ये चलने का उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति चलने का उद्देश्य है। नहीं तो व्यक्ति को एक जगह बैठना चाहिए अगर उसको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करनी है। चलने का उद्देश्य, चलने का मार्ग या चलने का सही उद्देश्य है परम उद्देश्य की प्राप्ति करना। इसलिए हमारी चाल पर हमें ध्यान होना चाहिए कि क्या हम लोग जो चल रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं, क्या हमारे सारे कार्य हमें जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं। इन चीजों को याद रखेंगे तो हम कभी भी इस अवसर को खोएंगे नहीं कृष्ण भक्ति के। पहली चीज याद रखिए, आपके मूल्य को, हर जीव में वो मूल्य है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी भक्ति कर सकता है। इसका अर्थ श्री कृष्ण ने दिखलाया कि प्राणी भी, जानवर भी भक्ति कर सकता है। महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में शेरों को, हिरणों को भक्ति करवा के दिखा दिया। ये प्रमाण देने के लिए हर जीव के हृदय में भक्ति है। गजेंद्र ने भक्ति कर दी, भगवान दिखला रहे हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है। तो हर जीव का ये मूल्य है, ये शक्ति है। और दूसरा, हमारी चाल कैसी, हमारी चाल वो हो कि जहां हम कृष्ण तक पहुंच सके। हाँ, बाधाओं को दूर करना ये आवश्यक है। जब हम चलते हैं तो हमें बाधाओं को दूर करना चाहिए, उद्देश्य को लक्ष्य में रखना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हैं तो वो चाल व्यर्थ है, वो आपका चलना व्यर्थ है। और फिर तीसरी चीज याद रखिए, एक आपकी चीज याद रखी, आपका मूल्य, दूसरी आपकी चाल, और तीसरे आपके साक्षी परमात्मा के रूप में। श्री कृष्ण हमारे कार्यों के साक्षी हैं, उसको याद रखिए। ये तीन चीजें याद रखेंगे
तो हम कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। हमारा मूल्य क्या है? हमारा मूल्य ये नहीं है कि हमने जीवन में कुछ फैक्ट्री बना ली, कुछ धन कमा लिया, कुछ व्यक्तियों को प्रभावित कर दिया, वो हमारा मूल्य नहीं है। इस जगत के व्यक्तियों को प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं है, इस जगत को त्यागने के लिए तैयार रहना, वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हमारा मूल्य, हमारी चाल और हमारा साक्षी भगवान देख रहे हैं। आप विचार कीजिए कि अगर कृष्ण खड़े होकर आज दिन भर के हमारे कार्यों को देखें तो कैसा लगेगा हमें? क्या वो प्रसन्न होंगे? और क्या हम प्रसन्न होंगे? क्या हम ऐसे कार्य करेंगे जो भक्ति के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं। इन तीन चीजों को निश्चित हमें याद रखना चाहिए। इस अध्याय में कहने के लिए और बहुत कुछ है। हमने सोचा था इसकी तुलना जैसे वन में गोपियां ढूंढ रही हैं, तो भौतिक जगत की भी तुलना वन से की गई है पांचवें स्कंद में, उसको विस्तार से कहें, लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे जब राधा रानी से वो मिली गोपी और उनको भी पता चला कि अरे, तो फिर वो और अंदर थोड़े से वन में गई, वहां पर बड़ा अंधकार था। देखिए, ऐसा भी स्थान था वन में कि जहां चंद्रमा की भी रोशनी नहीं पहुंच रही थी। तो फिर वो वहां से वापस आ गई और यमुना के तट पर आकर बैठ गई और अब उन्होंने अपने हृदय के भावों को गीत के रूप में प्रकट किया, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। तो कल इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न कुटी का टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? आप सबको आशा है साउंड ठीक आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि साउंड ठीक नहीं है। एक आध को हो सकता है कभी कभी नेट वीक होने पर, जहाँ पर आप हैं तो कभी कभी साउंड कम हो सकता है, लेकिन वैसे अगर सभी लोगों को तकलीफ है तो कृपया आप बताइए, तब फिर हम यहाँ से कुछ करेंगे। ओके, प्रश्न आ रहे हैं? भागवतम क्लास के वीडियो कैसे दे सकते हैं? वीडियो सब अभी अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, और वैसे फेसबुक पर तो लाइव आ ही रहा है जो कल से, तो आई थिंक वो तो फेसबुक पर रहता ही है। और बाकी जो वीडियोस हैं पहले के भागवतम के, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। कुछ हो चुके हैं, मेरे ख्याल से कितने हो गए, आठ वीडियो भागवतम क्लास के अपलोड कर दिए हैं, और भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी, जब जितना भी हमने कहा है वो सब आ जाए। ओके, आगे क्या है? क्या भक्ति को भी कर्म माना गया है? हाँ, क्या भक्ति को भी कर्म माना गया है? तीन प्रकार के कर्म का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। एक कहा गया कर्म अर्थात जिससे पुण्य मिलता है, दूसरा विकर्म जिससे पाप लगता है, और तीसरा कहा गया है अकर्म अर्थात भक्ति। तो भक्ति को साधारण कर्म नहीं माना गया, उसको अकर्म माना गया। इसको थोड़ा ऊपर कर दो। भक्ति को साधारण कर्म नहीं, अकर्म माना गया है, तो इसीलिए वो अकर्म है। अकर्म का अर्थ होता है जहां में पाप भी नहीं लगता और पुण्य भी नहीं लगता, तो फिर क्या लगता है? केवल भक्ति का लाभ मिलता है। ठीक है, सबको अच्छे से सुना? ठीक है, धन्यवाद।
हाँ प्रश्न है और सॉरी सुझाव है कि क्या एक क्लास को और आधा घंटा बढ़ा सकते हैं? हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हम तो दिन भर बोल सकते हैं, ये इतने अच्छे अच्छे विषय हैं। लेकिन अन्य लोग जो इस समय लॉकडाउन में हैं वो बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस आती हैं, तो इसीलिए किसी तरह वो एक घंटा बैठ जाते हैं, सहन कर लेते हैं। अब उनको कहा जाए कि और आधा घंटा है तो फिर इतना अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए, इसलिए एक ही घंटे की चलेगी। फेसबुक पर किसके नाम से है? आपको लिंक भेजा गया था, अभी फिर से लिंक भेज देंगे फेसबुक पर। हस्बैंड और वाइफ के बीच में नम्रता कैसे लाए? पहली चीज, अगर हम एक दूसरे को भक्त माने, केवल ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, यही नहीं माने। हाँ ये है, लेकिन उससे पहले भक्त है, वैष्णव है, इसको हमें समझना चाहिए। तब हम लोग इस भाव में आ सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के प्रति नम्रता हो। दूसरी चीज, जैसे हम अन्य भक्तों के साथ, कभी कभी देखा जाता है कि घर के लोग जब अन्य भक्तों से मिलते हैं मंदिर में या बाहर, तो बहुत अच्छा आचरण करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ ऐसा आचरण करते हैं कि बस रावण को भी मार दे देते हैं, हिटलर। तो प्रयास करना चाहिए कि जब हम घर में रहें तो हमारा घर और बाहर का आचरण एक ही हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक के लिए नहीं कहा जा रहा, तो दोनों के लिए। जैसे हम आचरण अन्य से करते हैं वैसा ही करने का प्रयास करें। तीसरी चीज, ये समझ लें कि भगवान ने ये व्यवस्था की है, हम दोनों को साथ में इसलिए रखा है ताकि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए कृष्ण की ओर जा सकें, और अगर हमने ये नहीं किया तो हम अवसर खो बैठेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए और जीवन चलाने के लिए अच्छे मार्गदर्शन में रहना चाहिए, ठीक है। फेसबुक का पूछ रहे हैं सर, लेकिन फेसबुक पे हमारे नाम से है, मगर आपको इस पर बाद में लिंक करवा दीजिए, आपके दूसरे लिंक पर भी लिंक दूसरे फेसबुक ओपन नहीं होगा उसमें, ठीक है। लिंक भेज रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए, आएगा भी, सब लोग बहुत लोग कह रहे हैं फेसबुक का लिंक अभी भेज देंगे। आगे है, ईमानदारी और नम्रता से किए गए भौतिक कार्य क्या हमें कृष्ण की ओर ले जाएंगे? ईमानदारी और नम्रता से किए गए भौतिक कार्य, हमने आपको बताया ये कहते हुए क्लास में, अगर आपने ध्यान से सुना, कि चाल हमारी क्या हो, उद्देश्य की ओर ले जाए। तो अगर केवल भौतिक कार्य है, उद्देश्य नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है। अगर आप नम्रता से भी कर रहे हैं उन कार्यों को, या फिर बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रभु का समझाते थे कि ये चोरों की ईमानदारी है। चोरों के एक ग्रुप ने, चोरों के एक दल ने क्या किया, चोरों के दल ने कुछ चोरी की, साथ में बैठे और बैठकर क्या किया कि अब इसको हम बड़ी ईमानदारी से बांटेंगे, ये जो हम लूट कर लाए। तो वहाँ पर कहते चोरी का माल है, चोरी की है, वो भूल गए और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम भौतिक कार्यों में ईमानदारी की बात करते हैं तो वो चोरी की तरह है, क्योंकि जो कुछ दिया है वो भगवान से आता है, उनको स्वीकार ना करते हुए, उनका स्मरण ना करते हुए, उनकी सेवा ना करते हुए अगर हम कर रहे हैं तो केवल चोरी है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी बहुत लोगों ने भेज दिया है फेसबुक पर, जो लिंक है उसको यहाँ कुछ लोग ने भेजा। यदि भक्ति ही गोल हो तो क्या पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए या नहीं? अगर भक्ति हमारा उद्देश्य है तो उसके लिए जो भी मदद करे उसको बढ़ा देना चाहिए। नियम यही है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है, अगर हमें लगता है भक्ति के लिए हमें ब्रह्मचारी रहना अनुकूल है, हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि भक्ति के लिए विवाह करना अनुकूल है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ाना अनुकूल है, तो क्यों नहीं, बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि उससे हमारी भक्ति में प्रगति हो।
तो भक्ति की प्रगति के लिए कोई आवश्यक एक ही बस नियम है, जो अनुकूल हो उसको स्वीकार कर लीजिए, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि विवाह करके पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाकर हम कृष्ण की ओर अच्छे से जा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, बढ़ाना चाहिए। आगे क्या है? ध्यान पूर्वक जप का क्या मतलब है? ध्यान पूर्वक जप का मतलब है अभी हमारी अवस्था में कि हम एक एक शब्द को सुने, बस इससे आगे अभी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, ध्यान पूर्वक जप का क्या अर्थ होता है, जप के क्या स्तर हैं, जप किस तरह हमें भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं को प्रकट कराता है। लेकिन इस अवस्था में हमारा सुझाव आपसे इतना ही है कि ध्यान पूर्वक जप का अर्थ है आप हर मंत्र को सुनने का प्रयास करें, ठीक है। अहंकार की 8 लक्षण जो आपने बताया मेरे अंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता की कोशिश कर रहा हूँ पर थोड़े समय बाद दोबारा वही सिचुएशन आ जाती है। क्या कोई टेंजिबल होना चाहिए, टेंजिबल फिजिकल एस्पेक्ट है जिसे विनम्रता को बढ़ाया जा सके? हमने अभी लेक्चर में बताया कैसे हम विनम्रता को बढ़ा सकते हैं, हमने कई चीज़ों का वर्णन किया कि विनम्रता है, हमें कृतज्ञता लानी चाहिए। जिन चीज़ों का हमने वर्णन किया उनको आप ध्यान से फिर से सुनिए, अगर उसका भी पालन करेंगे तो विनम्रता आ जाएगी। ये सही है कि हमारे अंदर अहंकार होता है, प्रयास करते फिर आता है, संघर्ष करते रहिए, कृष्ण की कृपा आएगी। अपने बल पर हम इससे परे नहीं जा सकते लेकिन कृष्ण की कृपा से जा सकते हैं। अपने वर्थ को पहचानिए, हमने पहले का अपने मूल्य को पहचानिए, शक्ति है आपके अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर कृष्ण को बंदी बनाने की शक्ति हो, ये अहंकार के त्यागने की शक्ति नहीं होगी, बड़ी सरलता से आ जाएगी। बस उसको पहचानिए और जैसे हमने आज के प्रवचन में बताया उस तरह से कार्य कीजिए, निश्चित आप आ जाएंगे इस तरह। ओके, आगे प्रश्न है कपल में शिव भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, तो बैलेंस कैसे बनाएं घर में कि कृष्ण, अच्छा ओके कपल में, हम सोचते कपल में क्या लिखा है। प्रश्न यह है कि कोई एक शिव भक्त का है और दूसरा कृष्ण भक्त है, तो बैलेंस कैसे बनाएं घर में कि कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। पत्नी शिव जी को छोड़ने तैयार नहीं है और पति कृष्ण को भक्ति करना चाहते हैं, या पति शिव जी को छोड़ने तैयार नहीं है और पत्नी कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या है? पहली चीज़ है कि इन दोनों में जो भी कृष्ण के भक्त हैं उनको बड़ी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको अपने आचरण से कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाहिए अन्यों को कि आपको शिव जी की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। शिव जी को वैष्णव मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब हमारा आचरण अच्छा होगा, जब हमारी भक्ति अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है शिव जी की कृपा से वो जो शिव जी के भक्त हैं वो भी कृष्ण भक्त बनेंगे। देखिए, हम सब भी जो भक्त बने हैं, जो पहले किसी देवी देवताओं की पूजा करते थे उनकी कृपा से ही बने हैं। जो गणेश जी के भक्त थे वो लोग बन गए कृष्ण के भक्त, क्योंकि गणेश जी ने सोचा कि हाँ अब ये तैयार हो गया है, अभी तक तो ये केवल भौतिक इच्छा लेकर मेरी पूजा कर रहा था, अब ये आध्यात्मिक इच्छा लेकर कर रहा है, इसको कृष्ण का भक्त कर रहा हूँ। शिव जी ये देखते हैं कि अरे ये भक्त मेरे पास आकर बस मांगता रहता है, ये दे दो वो दे दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जब वही भक्त जाकर शिव जी से ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जगत का, मुझे केवल भक्ति चाहिए, तो शिव जी कहते कृष्ण के पास जाओ। तो इसीलिए वही शिव जी एक दिन कृष्ण के पास लाएंगे, आप अपनी भक्ति को अच्छे से करते रहिए। भौतिक कार्य यदि कृष्ण का स्मरण करते हुए करें तो क्या ये चाल सही है? इसका उत्तर दे चुके हैं कि वो सही नहीं है। भौतिक फसल ये कृष्ण दूसरा अच्छा, भौतिक कार्य यदि कृष्ण का स्मरण करते हुए करें तो ये चाल सही है। ये चाल सही है तब जब आप उद्देश्य को ना भूलें।
अगर आपके कार्य उद्देश्य के लिए, हमने ये कहा चाल होनी चाहिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए, केवल कृष्ण के स्मरण के लिए नहीं, तब तो बहुत समय लग जाएगा। मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अरे मैं तो बिना तुलसी के कुछ लेता ही नहीं हूं, चाय में भी तुलसी डालकर पीता हूं। तो उद्देश्य को भूले बिना हमें करना चाहिए। वीडियो ऑफ कर सकते हैं, वीडियो ऑफ हो सकते हैं, नहीं होते सबके वीडियो से सब ठीक है। तो अगर उद्देश्य हम नहीं, कृष्ण को प्राप्ति नहीं है, केवल स्मरण कर रहे हैं, हाँ लाभ मिलेगा लेकिन काफी समय बाद। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति शराब पीते हुए भी ये स्मरण कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, कृष्ण का स्मरण करता है, तो आगे चलकर एक दिन भक्त बनेगा, लेकिन हमें ये प्रयास करने के लिए नहीं रहना है। तो हमें ये उद्देश्य को मानना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, तो भौतिक कार्य हो सकता है लेकिन अगर वो कृष्ण की ओर ले जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई धन कमा रहा है, उसका उद्देश्य कि मैं धन उतना कमाऊं ताकि मेरे परिवार में कभी कष्ट ना हो और हम लोग बड़े अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की सेवा कर सके, ये कार्य सही है क्योंकि उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति है। ठीक है, आगे प्रश्न है। महादेव प्रभु आप बहुत हिल रहे हो, थोड़ा सा रुक जाइए, आपका वीडियो थोड़ा बंद कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। हम कैसे जांच कर सकते हैं कि हम अपने उद्देश्य की ओर चल रहे हैं या मार्ग भटक गए हैं? गुरु के निर्देश में रहिए। गुरु आपके लिए, वो जो भक्त होते हैं भगवान के या जो गुरु होते हैं, तो वो किस प्रकार होते हैं? वो एक कंपास बॉक्स होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कंपास बॉक्स, जो दिशा दिखाता है। चलो ठीक है, हम लोग की सबकी हिंदी इतनी खराब हो चुकी है। तो जो कंपास बॉक्स होता है दिशा दिखाता है, तो अब समझ लीजिए कि एक शिप जा रहा है अंधकार में, उसको क्या पता किस डायरेक्शन में जाना है, तो कैसे देखता है? तो कंपास बॉक्स रहता है, वो दिखाता है इस तरफ दक्षिण है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ उत्तर है। तो भक्त जो हैं, गुरु जो हैं, वो उस कंपास बॉक्स की तरह है कि हमें भटकने नहीं देते, हमें हमेशा निर्देश दिखाते रहते हैं। तो वो कंपास हमेशा अपने पास रखिए ताकि हम भटके नहीं, गुरु के आदेशों पर चलते रहें। ठीक है, क्या अपराध बोध होना भक्ति में सहायक है? निश्चित सहायक है। हम अगर कोई अपराध करें और उसका बोध ही ना हो हमें, तो फिर हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। अपराध का बोध होना सहायक है, लेकिन उस अपराध भावना से बहुत अपने आप को हानि पहुंचाना या ये सोचना कि मैं तो बहुत पतित हूं, निराशा में चले जाना, वो ठीक नहीं। अपराध बोध होना चाहिए और अपराध बोध के द्वारा हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं इस अपराध की प्रवृत्ति से बाहर आऊं, आगे और अपराध ना करूं और कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो ये हमें होना चाहिए। कभी कभी लोग अपराध बोध में होते हैं और क्या होते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे अरे मैं तो कर ही नहीं सकता भक्ति कुछ, वो सही नहीं। अपराध बोध होना चाहिए लेकिन आगे बढ़ने के लिए, पीछे जाने के लिए। भक्तों का दैनिक और जो साप्ताहिक या मासिक उद्देश्य टारगेट क्या होना चाहिए भक्ति के लिए? दिन का हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम हम जो हमें आचार्य ने नियम दिए हैं, 16 माला जप और 4 नियमों का पालन, कम से कम वो कर पा रहे हैं या नहीं, ये रोज के लिए हमारे होने चाहिए। तो रोज का नियम है इसीलिए हम उसको पालन करें, तो ये हमारा रोज का होना चाहिए। साप्ताहिक नियम हमारे हो सकते हैं कि इस सप्ताह में कितना हम भक्तों की सेवा कर सकें, हर सप्ताह कितना हम अन्यों को सहायता कर सकें। जैसे कई भक्त भक्ति वृक्ष चलाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है
उनका उद्देश्य होता है कि इस सप्ताह हमने क्या मदद की अन्यों की, ये हमारा साप्ताहिक हो सकता है। और मासिक हमारा टारगेट हो सकता है कि हमने श्रील प्रभुपाद के इस ग्रंथ को कितना एक महीने में हमने पढ़ लिया, तो ऐसे कुछ उद्देश्य हम रख सकते हैं। और ये उद्देश्य भी, ये टारगेट भी हमें वरिष्ठ भक्तों के साथ चर्चा करके उनकी अनुमति और उनकी कृपा प्राप्त करके करने चाहिए, अपने मन से नहीं। ठीक है, आशा करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। या कोई रह गया इसमें ऊपर नीचे कुछ, मेरे ख्याल से तो हो गए हैं। फेसबुक पे एक क्वेश्चन, फेसबुक पे घर में अन्यों को श्रवण के लिए कैसे प्रेरित करें? घर में अन्यों को श्रवण के लिए कैसे प्रेरित करें? कई कार्य आप कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आप श्रवण कर रहे हैं तो थोड़ा जोर से लगाएं तो थोड़ी थोड़ी वाणी उनमें जाए। अगर वो विरोध करते हैं कि नहीं इसको बंद करो, ये लो ईयरफोन, अच्छे अच्छे ईयरफोन ला के दे देते कि भाई चलो बंद करो इसको, मुझे नहीं सुनना, तो फिर कम से कम उन्हें ऐसे प्रयास करें कि वो ऐसे जगह पर जा सकें जहाँ श्रवण हो सके, भक्तों को घर पर बुलाकर कीर्तन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करें जिसमें वो श्रवण कर सकें, उनको किसी ऐसे स्थान पर ले जा सकें जहाँ वो श्रवण करें। तो किसी न किसी प्रकार से अपने घर के परिवार के लोगों को श्रवण करने में लगाना चाहिए ताकि वो उनका भी हृदय शुद्ध हो सके। और ये हमारी भावना सही होनी चाहिए, हम उन्हें भक्त इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे आप इतनी भक्ति कर रहे हो, आपके पति देखो भक्ति नहीं करते हैं, ये भावना है तो कभी भक्ति नहीं करेंगे। भावना ये होनी चाहिए कि मेरे घर के लोगों ने मुझे बहुत मदद की है भक्ति करने की, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी सहायता करूँ जिससे ये भी तीव्रता से भक्ति करें, ये भाव होना चाहिए। कभी कभी हमारा भाव जाता है मेरा बच्चा, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े भक्त इनका बच्चा देखो ये नहीं कर रहा, तो भाव सही नहीं है तो कभी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। पहला भाव यही होना चाहिए कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मुझे भक्ति करने को प्रदान किया है, मेरा क्या कर्तव्य है इनके प्रति। दूसरा भाव होना चाहिए कि ये भी भले हमारे साथ में हमारे परिवारजन हैं लेकिन है तो कृष्ण का अंश, अधिकार इनको भी है कृष्ण भक्ति करने का, तो मैं कैसे सुविधा दूं। अन्यों से जैसे हमने कहा चर्चा भी करनी चाहिए, स्थिति के अनुसार हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। दायो